जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डिस्कस करेंगे मार्केट की अपडेट के हवाले से। सबसे पहले BTC के चार्ट में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वक्त अगर BTC की मैं बात करूँ, BTC ने प्रीवियस एक दो दिन के अंदर अच्छा खासा पंप किया। तकरीबन 28,000 से लेकर 28,600 से उठ के BTC आगे 30,000, तकरीबन $2,000 पंप कर चुका है। इस वक्त नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है BTC मार्केट का? अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया। अब यहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट ऐसे नीचे आ सकती है। जी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन हमने मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप देखना है। मार्केट इस ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी बुलिश है, और अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे 31,000 का और 30,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। जिसको ब्रेक करते तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बाय का आंसर करना है, आपके पास ये एक लेवल मौजूद है जो कि आपके पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का 29,700 का लेवल। मार्केट यहाँ से सॉलिड रिजेक्शन रहती है H1 में, M13 में, M50 में, M30 में, M50 में, यू कैन गो फॉर लॉन्ग। आपके टारगेट 30,100 हो सकते हैं। अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है तो देन आपका जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 29,100 के ऊपर। फिर आपने यहाँ से एंट्री पकड़नी है। दरमियान में कोई भी एंट्री लेवल आप लोगों का नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री पकड़ेंगे तो आप लोग लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये वाला आपका एरिया हो सकता है। मार्केट अभी स्टिल जो चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है। मार्केट यहाँ पे हाई लगा रही है, यहाँ पे फिर चल रही है, फिर ऐसे, फिर मार्केट ऐसे, ठीक है। इट्स मीन दैट कि मार्केट थोड़ी सी साइड वे है, जिसको हम चॉपिंग मार्केट भी कहते हैं। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट को ऐसे जोन से बाहर निकलने दिया करें, बैलेंस मार्केट में कभी भी ट्रेड ना किया करें अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम अपने सपोर्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। इस वक्त भी ये देखें, इसकी एक मेजर सपोर्ट बन रही है जो कि 1852 के ऊपर है। सेम जो रेजिस्टेंस है 1876 की है, और माइनर से रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को नजर आएगी तो 1864 के लगभग नजर आएगी। अगर मार्केट यहां से थोड़ा और नीचे आती है तो आप लोगों के पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 1824 1830 का ये हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने एंट्री यहीं से पकड़नी है या 1824 1820 से पकड़नी है, आपके पास स्ट्रांग सपोर्ट होगी। जो ऊपर वाली सपोर्ट है आपके पास 1854 की, ये भी काम कर सकती है। लेकिन आप लोगों ने देख लेना कि आपका BTC का चार्ट अगर बुल हो जाता है देन आप लोग यहां से बाय की अच्छी एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ट था हमारा इथेरियम का। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा BNB के चार्ट के ऊपर, और हम वहां पे देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। लेकिन हम अभी देख रहे थे गोल्ड को कि गोल्ड में हमारा चार्ट इस वक्त हमें क्या शो करवा रहा है। अगर मैं गोल्ड के ट्रेंड की बात करूं तो गोल्ड का ट्रेंड स्टिल जो चल रहा है वो बियर चल रहा है। गोल्ड का ट्रेंड आप लोग यहां से देख सकते हैं। मार्केट ने क्या लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट यहीं पे सर्वाइव की, लो स्वीप किया, ऊपर के ये हाई क्रिएट किया, दोबारा से मार्केट ने लो स्वीप किया, दोबारा उस हाई में टैप की, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई। मार्केट ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दी। यह आपका प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन आप लोग यहाँ पर कोई भी एंट्री फेयर वैल्यू गैप के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आप लोगों की एंट्री अगेन इसे सेल की बन सकती है। मार्केट थोड़ा सा भी उठती है 24 से आप लोग फिर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से और ऊपर जाती है आप लोग फिर भी सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट आपको 1938, 1940, 1945 की रेंज में देखने को मिलती है, आप लोगों ने गोल्ड में जस्ट सेल सेटअप देखना है। आज भी मैंने जो सुबह कॉल दी थी 31 से सेल की कॉल दी थी, और ऑलमोस्ट 20 पे मैं खुद निकला हूँ, 19 पे 20 पे निकला हूँ। तो 10 पिप बड़े होते हैं, सॉरी 100 पिप बड़े होते हैं अगर आप लोग गोल्ड से कमा लें। तो लोगों ने वो कॉल मेरी पिक की है उन लोगों को कांग्रेट्स, और वो लोग प्रॉफिट को ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी इस तरह का प्रॉफिट एंजॉय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अकाउंट की सॉरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहां पे जस्ट जाएं और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। और जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो लोग XNX पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है इसके अंदर, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं ना, आपने 1910 से लेकर 1912 का लेवल एक माइंड में रखना है, उसके बाद 1900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। अगर वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिले कि मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर ले और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें, इंड्यूसमेंट यहाँ पे टेक करें, जगह कोई इंड्यूसमेंट बने, आप लोग यहाँ से बाय जा सकते हैं, जो कि आपको 1910 या 1900 के एरिया में अगर ऐसा सेटअप मिल जाते हैं आपको 5 मिनट में 15 मिनट में, देन यू कैन गो फॉर बाय। अदरवाइज अभी तक इसका ट्रेंड सेल का है, और ये सेल 1867 1850 वहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमने देखना भी शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग 1924 1926 से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपको प्रॉपर, जो कि आपको 1930 पे पड़े, वहां से भी आप लोग अभी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।